सीएम योगी का बयान, संपूर्ण देश आज राममय, ये कहना है सीएम योगी का। सीएम योगी ने लिखा, अद्भुत अविस्मरणीय अलौकिक क्षण है, राम भक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। कुमार कुंदन के पास एक बार फिर से हम चलेंगे जो कि अयोध्या में ही मौजूद हैं। कुमार, सीएम योगी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये वो क्षण है जिसका इंतजार सबका सबको था और आज ये प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। निश्चित रूप से प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है और हमारे सामने वॉलंटियर्स की टीम है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? कानपुर से, दिल्ली से। हम सभी लोग स्वयं सेवक हैं, पूरे भारत से, कोई दिल्ली से, सारे भारत के हैं। सबको व्यवस्था में ड्यूटी लगाई गई है और सुबह सुबह ये सारे वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं। वॉलंटियर्स की एक लंबी कतार है जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि जो अंदर में काम। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिद्धार्थ नगर, गोरख छपरा। अच्छा, और आप लोगों की जिम्मेवारी क्या है वहाँ पे? वहाँ हम लोगों को प्रण चरण पादुका के लिए लगाया गया है। अच्छा, हम आज अयोध्या का चप्पा चप्पा आपको दिखाएंगे, हम राम मंदिर की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, हम हर एक तस्वीर जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है वो दिखाएंगे। लेकिन ये महाकाल मंदिर से भस्म आरती की तस्वीरें आ रही हैं, उज्जैन से। ये सीधी तस्वीर देखिए, उज्जैन में भी आज आज अलग सा उत्साह है, अलग सा उमंग है। राम दरबार लेकर पहुंचे हैं, देखिए शिव जी तो आराध्य थे राम जी के, और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं आज के दिन में। विपिन चौबे का रुख करना चाहेंगे हम। विपिन, आपके आसपास किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वो शुभ घड़ी तो आ गई है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, एक बार 360 डिग्री आपको व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले उस सूर्य स्तंभ की तस्वीर देखिए जो अयोध्या में आने वाले बड़े से बड़े और छोटे से छोटे भक्त का स्वागत करेगा, यानी 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य ये स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। जिस पहले चौराहे से वास्ता होगा उस पहले चौराहे पर मैं खड़ा हूं और इसे धर्म पथ कहा जाता है। सबसे पहले भगवान सूर्य का दर्शन करने के बाद इसी धर्म पथ से सूर्य स्तंभों के बीच से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, और जब प्रधानमंत्री का काफिला अंदर शामिल होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो डमरू वादन से, शंख वादन से, मयूर नृत्य से उनका स्वागत किया जाएगा। और प्रतिमा, इसके साथ साथ इस तरह के 100 मंच। बिल्कुल विपिन।